कर्मचारियों ने बहुत ही खुले दिल से इसका स्वागत किया है। आज सभी के सभी कर्मचारी संगठनों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले भी हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते शनिवार को कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में जानकारी दी थी, जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। हालांकि सरकार की इस नई स्कीम में कुछ नियम तय किए गए हैं, जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो इस खास रिपोर्ट में हम आपको यूपीएस के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेंशन योजना की घोषणा की, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। ये योजना सरकारी कर्मचारियों के कंट्रीब्यूशन पर पेंशन का लाभ देगी। इस योजना के तहत निश्चित पेंशन मिलेगी, साथ ही कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली पेंशन भी दिया जाएगा। जिन लोगों ने 10 साल या उससे ज्यादा 25 साल से कम तक सर्विस की, उन्हें मिनिमम पेंशन के तौर पर 10,000 रुपए मंथली दिया जाएगा, लेकिन इसे पाने के लिए भी एक शर्त पूरा करना जरूरी है। दरअसल यूपीएस के ऐलान के साथ साथ जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उन पर नजर डालें तो केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले 23 लाख कर्मचारियों के लिए स्कीम लॉन्च की गई है, जिसे राज्य सरकारें भी अपनी इच्छा अनुसार लागू कर सकती हैं। महाराष्ट्र ने तो इसे मंजूरी भी दे दी है। इसके तहत कर्मचारी के अंतिम 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा रिटायरमेंट के बाद आजीवन दिया जाएगा, लेकिन कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक नौकरी करना जरूरी है। इसके साथ ही यूपीएस में 10,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन का भी जिक्र किया गया है। सबसे खास बात इसी 10,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन से जुड़ी हुई है। दरअसल सरकार की ओर से इसके लिए एक शर्त लगाई गई है, जिसके तहत कर्मचारी कम से कम 10 साल की सर्विस करने के बाद इस न्यूनतम पेंशन का हकदार होगा। लेकिन अगर किसी ने 10 साल से कम नौकरी की है तो क्या उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी? इस बारे में अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। नंबर ऑफ पीपल हु हैव रिटायर्ड इन दिस इज वेरी स्मॉल। सी पीपल डोंट रिटायर इन 5 इयर्स नॉर्मली। ओनली अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हैव रिटायर्ड अंडर द न्यू पेंशन सिस्टम। क्योंकि सरकार का कहना है कि कम से कम 10 साल की सर्विस पर न्यूनतम 10,000 रुपए मंथली पेंशन मिलेगी, लेकिन उससे कम सर्विस पर क्या प्रावधान होगा, इस मुद्दे पर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं अगर बात करें कि 10 साल से ज्यादा और 25 साल से कम नौकरी करने वालों की, तो इसके लिए खास फॉर्मूले के आधार पर पेंशन तय की जाएगी। मान लीजिए अगर कोई कर्मचारी 24 साल की नौकरी कर लेता है, तो फिर उसे न्यूनतम नहीं बल्कि 25 साल के लिए तय किए गए 50% की तुलना में कुछ कम या 45% से 50% के बीच पेंशन मिल सकती है। यूपीएस के अन्य लाभों की बात करें तो कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली में से किसी एक योग्य सदस्य को कर्मचारी के पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा, जबकि अगर किसी कर्मचारी ने सिर्फ 10 साल या उससे अधिक तक सर्विस की है, तो उसे कम से कम पेंशन 10,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है।